एक होता है जिंदगी जीना और एक होता है जिंदगी काटना। जिंदगी काटने से जिंदगी जीने तक का सफर है, दैट इज फॉरएवर इंपॉर्टेंस। एक बंदे को पूछते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहते बस कट रही है, कहते जिंदा हो, कहते हाँ बहुत हाई नहीं रही। लेकिन उस सोच से बाहर निकलने का कई लोगों को सारी जिंदगी मौका ही नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों के जिंदगी में फॉरएवर आएगा ही नहीं, लेकिन हम सारे यहां जो बैठे हैं वी आर सो लकी, एटलीस्ट हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम फॉरएवर के लाइफ स्टाइल को जरूर देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे इंडिविजुअली हर कोई अपने बारे में सोचेगा, लेकिन एटलीस्ट हम इतने लकी जरूर है कि हम फॉरएवर को यहां बैठ के देख रहे हैं। एटलीस्ट हमारे को पता है कि फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे जिंदगी बदली जा सकती है। इस पे स्लाइड में थोड़ा सा इंडिया का रेफरेंस होगा क्योंकि ये इंडिया में हमने बनाई है, मे बी हो सकता है कुछ चीजें आप दुबई में अपने आप रिलेट कर पाएंगे। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो मोस्टली तकरीबन सारी दुनिया में पाया जाता है, बर्फ वाली जगह को छोड़ के, बहुत ठंडी जगह पे नहीं होता, लेकिन तकरीबन हर तरह के। और भगवान ने एक ऐसी नियामत बना दी कि जहां जहां पे जिस तरह का एलोवेरा होगा वहां पे जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उसके लिए वहां का पौधा सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा। अगर ये पहाड़ी इलाके में है तो जोड़ों के लिए वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, अगर रेतीले इलाके में है तो अस्थमा के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा, अगर बहुत गर्म इलाके में है तो स्किन के लिए। जहां जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है उस एनवायरमेंट के कारण वहां का जो एलोवेरा है वो वहां पे सबसे ज्यादा हमारे को बेनिफिट करेगा। तो कंपनी ने कोई नया कोई मशीनरी कोई नया इन्वेंशन नहीं किया, एक ऑलरेडी प्लांट जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है और लोग पुराने जमाने में भी इसका बेनिफिट लेते थे, उसी को खाली एक जगह पे इकट्ठा करके उसकी स्पीशीज को हमने सारे को सर्च करके एक ऐसी स्पीशीज निकाली जो कंपनी को वेस्ट इंडीज में मिली। बारबाडोस जगह का नाम था और मिलर उस साइंटिस्ट का नाम था, उस प्रजाति का नाम पड़ गया बारबाडेंसिस मिलर। आज हमारा जितना भी बड़ा खेत है 6,000, 7,000, 8,000 एकड़ के जितने भी खेत है वहां पे वो एक ही वैरायटी है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड बारबाडेंसिस मिलर, जिसमें कि क्या फायदा होगा कि हमको 100% मेडिसिन भी मिल जाएगा और 100% न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। बाकी की जो प्रजातियां हैं इसमें 5% 10-15% से लेके हमारे को बेनिफिट मिलेगा, कुछ हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है, कईयों में हमारे को पॉइजनस भी मिलेगी, जहरीली भी मिलेगी। लेकिन एक आम इंसान को नहीं पता कि मेरे खेत में कौन सा लगा, मेरे गमले में कौन सा एलोवेरा लगा हुआ है, लेकिन कंपनी सारी चीजों का ध्यान रखे और एक ऐसा प्लांट उन्होंने डिटेक्ट किया जो कि हमारे, और वी आर लकी एनफ के वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड प्लांट ऑफ ऑयल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। कल मेरे को कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारा कंपेरिजन है बाकी कंपनियों से कैसे कंपीट करें, लेकिन उनको मैंने यह बताया कि हमारा कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं। हजारों कंपनियां ये काम कर रही हैं, एलोवेरा लगाती हैं, उसको स्टेबलाइज करती हैं, उसको पैक करती हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अगर सारी दुनिया में 100 लोग एलोवेरा पी रहे हैं तो 80 से ज्यादा कौन सा पी रहे हैं, मोर देन 80% वर्ल्ड मार्केट शेयर। हजारों कंपनियां 15-20% पे काम कर रही है लेकिन अकेली कंपनी 80% से ज्यादा का कारोबार कर रही है, इसलिए हमारा कोई कंपटीशन है नहीं किसी के साथ। वो क्यों नहीं है उसके मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। वी आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड। आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हो उसके नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय XYZ मार्केटेड बाय ABC, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केटिंग वाली, कैडिला है, फाइजर है, रेमपैक्सी है, हमदर्द है, डाबर है, बहुत सारी कंपनी है, लेकिन बहुत सारी कंपनी का है एक सामान यहां से लिया, दूसरी यहां से लिया, तीसरा वहां से लिया, चौथा वहां से लिया, नीचे अपना लेबल लगाया, डब्बा लगाया, बेच दिया। अभी जो बना रहा है वो कहता है क्वालिटी उन्नीस से 21 से बढ़ेगी, क्या फर्क पड़ेगा, हमने कौन सा बेचना है, हमने बड़ी कंपनी को हायर करना है वो बेच देंगे हमारा। जो बेच रहा है वो कहता है बीच में क्या डाला है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं देगा कोई और दे देगा, हमारा तो मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन वर्टिकली इंटीग्रेट में लेके खेत से लेके प्लांट से लेके स्टेबलाइज करने से लेके सारे का सारा काम कंपनी आप कर रही है,
100% हमारी क्वालिटी के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कमांड है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं। ये हमारा हेड ऑफिस है, 13 मई 1978 को स्टार्ट हुआ, अभी सब 40 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 41 ईयर चल रहा है, और चलते 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 हमारी जो सेल्स है बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 2011 की बात करें तो 13,000 करोड़ थी, लेकिन आज तकरीबन हम 22,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर कर रहे हैं वर्ल्डवाइड सारे। अगर ताड़ियां सारे मिलकर जोर के बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। इंडिया में बहुत सारे ऑफिस थे लेकिन 2000 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज की डेट में हम वर्ल्ड नंबर 3 में, इस साल भी हमने उसको रिपीट किया है, वर्ल्ड नंबर 3 में हम दोबारा हैं। ये एक छोटी बिगनिंग इंडिया में स्टार्ट हुई थी छोटे ऑफिस के साथ, उसके बाद हमारे तकरीबन 20 ऑफिस हमारे हैं। ये हमारी प्रोडक्ट की रेंज है, बहुत सारी रेंज आपने ऑलरेडी देखी होगी, बहुत सारी रेंज नीचे काउंटर्स पे लगी हुई है, सबकी बात नहीं हो पाएगी, कुछ मेन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। व्हाट इज एलोवेरा, क्योंकि अगर हम ड्रिंक्स की बात करेंगे तो अगर 100 करोड़ की टर्नओवर है तो मोर देन 60-65% हमारा यही ड्रिंक सबसे ज्यादा बिकता है। इसमें एलोवेरा जेल है, इसमें एलोवेरी नेक्टर है, इसमें बिट्सन पिचेस है, और फॉरएवर फ्रीडम है, और प्रॉमिसिंग पावर है। जो हमारी ड्रिंक्स की सेल है दैट इज मोर देन 60-70% हमारा मेन, जो कह सकते हैं कि मेन प्रोडक्ट है हमारा ही ड्रिंक्स है। और फर्टाइल लैंड में ये सबसे ज्यादा लुक्स लाइक कैक्टस, लेकिन कैक्टस नहीं है, ये लिली वैरायटी को या अनियन है जिसमें गार्लिक आ जाता है, जिसमें ओनियन आ जाता है, उसको ये बिलोंग करता है। बहुत सारे नामों से इंडिया में, यहाँ पे भी कई नामों से जानते हैं, जिसको घी क्वार कह दिया, मशबर कह दिया, ग्वार गंदल कह दिया, ग्वार पट्ठा कह दिया, बहुत सारे मिरेकल प्लांट कह दिया, इस तरह के नामों से जाना जाता है। पहले 300 वैरायटी थी लेकिन अभी 400 से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन जो बेस्ट वैरायटी है दैट इज बारबाडेंसिस मिलर, नेचुरल सेफ हर्बल है, हजारों सालों से ऑलरेडी हमारे सामने ये यूज हो रहा है, लेकिन इंटरनली और अप्लाइड टॉपिकली हम इसको इंटरनली भी ले सकते हैं, ताकि हमारे अंदर जो हमारी स्किन के अंदर जो अनवांटेड चीजें जा रही हैं उसका हमारे पास कोई सफाई का साधन नहीं है। हम सुबह आते हैं दांतों को ब्रश करते हैं, ब्रश किया, कोई ऐसा ब्रश नहीं मारा कि अंदर भी मार दिया साफ हो गया, ऐसा हमारे पास है नहीं कोई साधन। लेकिन एलोवेरा वो किस तरह से काम करता है उसको थोड़ा सा माइनोरिटी देखेंगे, क्योंकि वही मेन हमारा पार्ट है। वाई एलोवेरा, अभी एलोवेरा आपको यहाँ पे सबका कॉमन एक क्वेश्चन रहता है कि यार हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे, किसको किसको लगता है महंगी, ईमानदारी से याद करा करो, सबको पता, सारे याद करा करें, सारे याद करा करो, मैं भी कहता हूं मैं दोनों हाथ खड़े करता हूं महंगे। लेकिन हमारे को सोचना पड़ेगा कि महंगे किससे महंगे है, हमारे पैरेलल में है, हम खाली प्राइस का लेबल कंपेयर करते हैं, उस बोतल पे इतना लिखा हुआ है, हमारे में एमआरपी इतना लिखा हुआ है, बीच में क्या डाला है, दो पता नहीं, ये शर्ट मेरी है 200 रुपए की मिलती है, ये शर्ट 2000 की मिलती है। एक छोटी कार अगर इंडिया की बात करूं तो 2 लाख में भी मिल जाती है, लेकिन 2 करोड़ की भी कार मिलती है। जो 2 करोड़ की कार चलाता है क्या 2 लाख वाली चलाएगा कभी? नहीं, कभी भी नहीं चलाएगा, कभी भी। लेकिन ये तो हमारे इंटरनल, ये तो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा ना, तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं कि मार्केट में क्या मिल रहा है और हमारे पास क्या। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसका अगर आप बीच में से जेल निकालेंगे, जब उसको काटते हैं तो उसमें से चमकीला सा जेल निकलता है, उसको अगर आपने 1.5-2 घंटे में प्रोसेस कर लिया तो आपको वो फुल बेनिफिट देगा, नहीं तो क्या होगा, वो खराब होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। आप एप्पल को काट के रख दो, सुबह का एप्पल काटा हुआ शाम तक आसपास खराब हो जाएगा, अगले दिन बिल्कुल काला पड़ जाएगा। जैसे ही एप्पल को काटोगे वो जैसे ही मॉइस्चर के कंटेक्ट में आएगा उसके बाहर के सेल बनने शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होने शुरू हो जाएंगे, वही तो, ये भी तो एक प्लांट का जूस ही है। तो कंपनी को बहुत टाइम 25-26 साल लगे नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट को लगा लगू के ये देखा कि एक चीज जो 2-3 घंटे में खराब हो जाती है उसको संभाल के कैसे रखें। तो मार्केट की जितनी कंपनियां उन्होंने क्या किया, वो लिया उसको बहुत हाई डिग्री पे उबाल के उसमें केमिकल डाल दिए। अभी केमिकल को बचने के लिए तो हमने एलोवेरा पीना है, लेकिन अगर उसी में ही केमिकल डाल दिए तो उसका फायदा ही खत्म हो गया।
पर्पज ही सारा खत्म हो गया। लेकिन फॉरएवर ऐसा नहीं करता, फॉरएवर का अपना एक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है जिसके कारण के जो चीज दो तीन घंटे में खराब हो जाती है उसको फोर इयर्स का विद इन फोर इयर्स हमारे को वही फायदा मिलेगा जो एक पत्ते को काट के हम यूज कर, और उससे भी बड़ी खुशी की बात एलोवेरा का नया पैकिंग आ गया। किसको किसको पता है टेट्रा पैक में आ गया, बहुत सारे लोगों को पता है, इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया, जापान में भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया, और दैट इज सो फैंटास्टिक। इस जो ये जो येलो वाली बॉटल देखेंगे इसमें क्या रेशियो है, 97.5% प्योर एलोवेरा है, इसमें 2-2.5% वो जड़ी बूटियां मिलाई हुई है, 8 तरह की है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू स्टेबलाइज एलोवेरा। तो 2-2.5% वो जड़ी बूटियां बनाई ताकि जो चीज 2-3 घंटे में खराब होनी है वो विद इन 4 इयर्स खराब नहीं होती, लेकिन जो नए वाला टेट्रा पैक आया है उसमें 99.7% प्योर एलोवेरा है, 99.7%। एक बार तालियां हो जाए, उसके रिजल्ट्स इससे कई गुना ज्यादा बढ़िया आने वाले हैं। तो वी आर हम बहुत क्रेजी हैं उस नए प्रोडक्ट के लिए। तो स्टेबलाइज्ड एलोवेरा आपको दुनिया में शायद कहीं मिलेगा, कहीं पे स्टेबलाइज्ड एलोवेरा मिला, फिर रेट को फिर कंपेयर करना कि वो किस रेट में दे पा रहे हैं, और ये जो 99% एलोवेरा है अब उनका रेट क्या है, तो उसमें हम देखेंगे कौन इसके पैरों में कोई आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। इसको समझाना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो एटलीस्ट अगर ये बात हमारे को समझ में आ जाएगी तो हमारे को पता चल जाएगा कि एक इंसान बीमार क्यों हो रहा है, बीमारी का कारण क्या है, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास टाइम ही नहीं है, खासकर दुबई में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, सुबह भागते भागते काम पे जाते हैं, सारा दिन रात तक काम करते रहते हैं, घर पे जाते हैं, टीवी देखा, न्यूज देखी, सो गए, सुबह उठे फिर काम पे चले गए, हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि ये अस्पताल क्यों भर रहे हैं डे बाय डे, प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। इसमें जो भी हम सुबह से लेकर रात तक खाते हैं वो हमारे फूड पाइप से होके हमारे यहाँ पे छोटी आंख में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यही पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, हजम यही पे होता है। अभी एक बहुत छोटे बच्चे की इंटेस्टाइन का वो माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो दिखा रहा है कि उसका अंदर बिल्कुल ही साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लीन है। अभी वो जो डाइट लेता है वो भी नेचुरल डाइट लेता है, एक उसका सिस्टम साफ सुथरा है, एक उसकी डाइट बिल्कुल प्योर है। अभी क्या होगा हम देखते हैं, छोटा बच्चा पंजाबी कहते हैं ना बधाई करता है, छोटा बच्चा है ना बढ़ता नजर आता, दिनों 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 में बढ़ता नजर आता है, क्यों, क्योंकि उसका सिस्टम उधर से साफ सुथरा है और जो डाइट ले रहा है वो भी प्योर एंड नेचुरल ले रहा है। अभी जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा फिर क्या खाना शुरू करेगा, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स चॉकलेट्स चिप्स, वो क्या न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए का, लेकिन बदले में बहुत सारा अनवांटेड चीजें, जो ये ब्लैक कलर का पोर्शन है, कहते हैं आयुर्वेदा भी यही कहता है, यूनानी मेडिसिन भी यही कहती है कि 80% बीमारियां हमारे स्टमक से शुरू होती है, पेट तो स्टार्ट होती है, जिसका पेट गड़बड़ रहता है उसको बहुत जल्दी कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। मेन रीजन उसका ये है कि हमारे पानी के कारण, हमारे हवा के कारण, हमारे खाने के कारण बहुत सारी अनवांटेड चीजें हमारे अंदर जा रही है, और जो इंटेस्टाइन ने हमारे फूड में से विटामिन्स लिए थे, मिनरल्स लेने थे, कैल्शियम लेना था, आयोडीन लेना था, वो सारे के सारे ब्लॉक हो गए। जब जब ये काले वाला पोर्शन हमारे अंदर रहेगा हमारे को बीमारियां लगती रहेगी। कई जगह पे आपने सुना भी होगा कि खाना था बहुत है लग रही है, अभी जहां पे लग रहा था वहां पे प्रॉब्लम, और ये इतना सीमेंटेड हो जाता है हमारे अंदर कई कई सालों तक हमारे अंदर पड़ा रहा। तो जब जब ये हमारे अंदर पड़ा रहेगा प्रॉब्लम आती रही, बीमारियां लगती रही, क्यों, क्या हर 4 inches के बाद इसका पर्पज जो है वो चेंज हो जाएगा। 1-4 inch ने कैल्शियम लेना है, अगले ने आयरन लेना है, किसी ने फॉस्फोरस लेना है, किसी ने जिंक लेना है, किसी ने विटामिन ए लेना है, किसी ने विटामिन B12 लेना है। अभी जिस पोर्शन में कैल्शियम लेना था वहां पे ये ब्लॉकेज हो गई,
तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे दांतों की प्रॉब्लम, गम्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हमारे बोन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, थोड़ा स्ट्राइक करेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे बोन डेंसिटी चेक करो, बोन डेंसिटी चेक करेंगे वो कहेंगे कैल्शियम है नहीं थोड़े अंदर, तो वो कहेंगे कि कैल्शियम की गोली भगवान के प्रसाद की तरह रोज खा लिया करो। अभी कैल्शियम तो खा रहे हैं लेकिन कैल्शियम जहां पे लग रहा था वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे जाली लगी हुई है, फिल्टर लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत लगेगा बाकी ड्रेन ऑफ हो जाएगा, हमारे शरीर में से बाकी निकल जाएगा। यहां पे हम एलोवेरा काम करते हैं। एलोवेरा में क्या है, दो प्रॉपर्टी, एक तो है लिग्निन, लिग्निन का मतलब होता है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बारीक है, बहुत ज्यादा महीन है। आप एलोवेरा की कोई भी क्रीम को हाथ पे लगाओगे तो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा उड़ गई, इवेपोरेट हो गई, लेकिन उड़ेगी नहीं, आपके पोर्स में से, आपके मुसा में से अंदर चले जाएगी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बारीक है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है एलोवेरा की, दैट इज इसमें लिग्निन्स है, सेकेंड इज सेपरिन है। सेपरिन सोप, सोप किससे बना, सेपरिन से बना, जैसे रीठा हो गया, जैसे शीका काई होगी जो नेचुरल सोप है, उसी तरह से एलोवेरा एक नेचुरल सोप है, जिसको हम खाली पेट लेंगे तो हमारे अंदर जाके जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं वो लिग्निन के अंदर अदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और सेपरिन सोपी एक्शन के कारण वो हमारे शरीर में जो भी अनवांटेड पड़ा है उसको आसा आसा से कुरेदना शुरू करेगा, कोरना शुरू करेगा। अभी आपने एलोवेरा में पानी नहीं मिलाना है, कोशिश करें ना मिलाएं, लेकिन 15-20 मिनट का, आधे घंटे का गैप लेके फिर जितना मर्जी पानी पिएंगे तो ये जो अनवांटेड जो इससे एक्टिविटी करी है, हमारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में से बाहर फिरो सिस्टम के थ्रू बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और एक बोतल, दो बोतल, दो तीन बॉटल्स में आपके अंदर अनवांटेड चीजें हैं वो आसा आसा से आपके शरीर में से बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। फाइनली क्या होगा, आपका इंजेक्शन फिर उसी तरह से हो जाएगा जैसे एक छोटे बच्चे का। अभी आप एलोपैथी की दवाई भी खाएंगे, आप आयुर्वेदिक की दवाई भी खाएंगे, आप होम्योपैथी की दवाई भी खाएंगे, आपकी बॉडी को ज्यादा लगने लग जाएगा, एब्जॉर्ब ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाई हो गई, उसके बाद आप जो अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे आपको उसका कई गुना ज्यादा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो मेन बेसिक ये है कि अगर आप एलोवेरा लेंगे आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के बाद, फिर आपने क्या करना है, अभी एलोवेरा कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो जिनको पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, या भगवान ना करे किसी को ट्यूमर अल्सर कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, या डायबिटीज हो गई, उस केसेस में एलोवेरा जेल हमारे को सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है, उसके बाद क्योंकि हमने डायबिटिक में ज्यादा मीठा नहीं देना है, बाकी जो वैरायटीज है उसमें थोड़ा सा मीठा ऐड किया हुआ है, लेकिन उसमें हम अवॉइड करते हैं डायबिटीज में, हम एलोवेरा जेल देके बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज एलोवेरी नेक्टर। एलोवेरी नेक्टर में तकरीबन 14-15% हमारे पास एप्पल एंड क्रैनबेरी मिक्स किया हुआ है। अभी एप्पल एंड क्रैनबेरी से क्या होगा, विटामिन सी रिच हो जाएगा। अभी विटामिन सी कहाँ पे चाहिए, हमारी लिवर और हमारी किडनी के लिए चाहिए। तो जिनको भी लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, भूख ज्यादा नहीं लगती है, लिवर एनलार्ज हो गया, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जो लिवर के रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी किडनीज में प्रॉब्लम आ गई है, जिनका किडनी लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग डायलिसिस पे भी चले जाते हैं, जिनकी किडनी की वर्किंग आसा आसा से खराब होनी शुरू हो जाती है, तो उस केसेस में आप, या किडनी के स्टोन्स भी हैं, यहाँ पे एक टेस्टिमनी भी है, कल बता रहे थे कि उन्होंने किडनी स्टोन के कारण भी प्रोडक्ट को यूज किया और बहुत अच्छे बेनिफिट लिए, तो इस तरह की चीजों में हम एलोवेरी नेक्टर, या लेडीज की जितनी भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर डायबिटीज लेवल ठीक है तो हम उनको डायरेक्टली नेक्टर से शुरुआत कर सकते हैं। जिनकी बॉडी में पेन्स रहती है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उस केसेस में हमारे को नेक्टर से ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। दो थर्ड वाले बेसन पीचेस, बेसन पीचेस में क्या है, थोड़ी सी मात्रा इसमें पीचेस की डाली, आड़ू की डाली हुई है, उससे क्या होता है विटामिन ए रिच हो जाता है। अभी विटामिन ए किसके लिए चाहिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए चाहिए, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उनकी हाइट के लिए चाहिए, उनकी मेमोरी के लिए चाहिए, और यह सबसे मीठा फ्लेवर है जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और वो रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो उनके इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमारे को, बड़े भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली फोकस किया हुआ है। इसमें बेट्स का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े एलोवेरा के काट के बीच में डालें, खाने को आलू जैसे लगेंगे, पीचेस लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली एलोवेरा है।
तो उनको भी लेके बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो नए वाला अभी पीछे आ रहा है उसमें बिट्स हट गए हैं, अभी जो नया आपके पास टेट्रा पैक आएगा दैट इज ओनली विद पीचेस, उसमें बिट्स नहीं है, तो उसको भी हम यूज करके, हालांकि फाइबर है सारा कुछ उसी तरह से है लेकिन उसमें खाली चंक्स जो है वो बीच में से निकाल दिए। तो द लास्ट वन इज वंडरफुल, दैट इज फॉरएवर फ्रीडम। किसने यूज किया फॉरएवर फ्रीडम? फॉरएवर फ्रीडम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे एज रिलेटेड प्रॉब्लम है कि हमारे जॉइंट्स पे उम्र के साथ साथ प्रॉब्लम आनी ही आनी, और अगर हम रेगुलर बेसिस पे उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कहां नी रिप्लेसमेंट पे चले जाएंगे, हमारे को बदलने पड़ेंगे जॉइंट्स। यहाँ पे है लोग कराते नी रिप्लेसमेंट, हिंदुस्तान में तो बहुत रिवाज है, मतलब लोग अपने आप को फकर, मैं गोडे बनवा ले, लोगों को बहुत फकर है क्योंकि आज की डेट में सब कुछ मिल रहा है, गोटा जाएगा गोटा ले लो, गोटा जाएगा गोटा ले लो, सब मिल रहा है, अवेलेबल है, सब अवेलेबल। अभी हमारे को देखना है कि जो भगवान ने दिए इन्हीं को ठीक करने हैं या नए लगवाने हैं, वो हमारी चॉइस है। फॉरएवर फ्रीडम में वी हैव 87% प्योर एलोवेरा, उसके साथ उसमें चार तरह की जड़ी बूटियां मिला है, जॉनसन ग्लूकोसमिन और राइडेन सल्फेट MSN और विटामिन सी, ये चार तरह की जड़ी बूटियां उसमें मिलाई। उससे फायदा क्या होगा कि जो हमारे बोन्स के बीच में, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज रहती है वो उम्र के साथ साथ वो रप्चर होनी शुरू, खराब, तो क्या होता है हमारी हड्डियां आपस में टकरानी शुरू कर देती, तो बीच वाला जो कुशन है जिसमें, जिसको हम साइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसको हम ग्रीस बोल देते हैं पंजाबी में, देसी भाषा में ग्रीस बोल देते हैं, वो पहले भी हमारा शरीर बना रहा था लेकिन उम्र के साथ साथ वो साइनल फ्लूइड बनने की प्रक्रिया जो है वो स्लो हो जाती है। पहले भी हमारे खाने में से ग्रीस बनती है, हम बाहर से नहीं यहाँ पे पंचर करके नहीं ग्रीस बनते हैं, पहले भी हमारा खाना से ही बनती है लेकिन उम्र के साथ साथ जैसे वो कम हो जाती है, तो ये जो ग्लूकोसमिन है, कोलोरेटिव सल्फेट है, अगर ये अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो हमारे खाने में से दोबारा से फिर वो बनना शुरू हो जाएगी। आस्था आस्था से जो हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे कईयों के क्या होता है फ्रोजन शोर रहता है, अभी ये हिल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, फ्रीज हो गया, फिर जाम हो गया, क्योंकि हड्डियां जाम हो जाती है, गोडा रुक गया, कहते कहते मेरा गोडा रुक जाता, कह लिए ठीक अटक जाता है जाके, तो उस तरह की केसेस में हम फॉरएवर फ्रीडम से बेनिफिट ले सकते हैं। ब्राइट जेल, वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस, ब्राइट जेल, इनके ने यूज करी हुई है, दिस इज सो वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त। कल किसी का क्वेश्चन आया था कि मार्केट में 30-40 रुपए की रुपए साल ले जाती है, अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो इसके लिए 400-450 खसरे पड़ते हैं, दिस इज सो कॉस्टली। तो मैंने कहा जो 30-40 रुपए वाली आप टूथपेस्ट लेते हो क्या डेंटिस्ट फ्री बैठे हैं सारे? अगर हम 30-40 वाली टूथपेस्ट लेते हैं तो सारे डेंटिस्ट फ्री होने चाहिए ना, दांत सबके ठीक है, इसका मतलब कहता जी हर तीसरे बंदे के दांत खराब है। तो मैंने कहा आप इसको डालो एज अ टूथ ऑइंटमेंट लेके जाओ, इसको घर में जिसके सबसे सेंसिटिव दांत है ना उससे शुरू दांत कर लो, इसको दवाई की तरह यूज करना शुरू करो। लेकिन अगर आपने एक दो महीने इस टूथ जेल को